शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेताब हो रहा हूं। आपको इससे भी मजाक सोच रहा है? Come on यार मोमिना, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूं, तुम्हें लगता है कि मजाक सोच रहा है मुझे। जिंदगी में इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती है। कभी कभी इंसान को अपनी खुशी के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप मेरी जगह होते ना, फिर आपसे पूछती। यू नो, मैं आज तक अपनी सारी लाइफ या तो तुम्हारे हिसाब से, मामा के हिसाब से गुजारता है। देखो, आज फर्स्ट टाइम खुद से डिसीजन लिया, तो पापा भी हमारे साथ हैं। और फिजा, क्या आपने उसे बताया है कि इस वक्त आप कहाँ हैं? नहीं, अभी तो नहीं बताया, लेकिन निकाह के बाद सबसे पहली कॉल मैं उसी को करूंगा। मुमना, मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। इट्स जस्ट मामा की मर्जी थी, इसलिए बस वो चाहती थी कि मेरी उससे शादी हो जाए। और अब उनकी मर्जी के बगैर। वैसे मोमना, मैं खुशी के इस पल में किसी का जिक्र नहीं करना चाहता। या मैं हूं, तुम हो, और मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। और हम, मुझे पता है इस तरीके की हरकत सिर्फ आप कर सकते हैं, छोड़े मुझे। अगर आंटी ने देख लिया तो? एक तो तुम डांटती बहुत हो मुझे। सुनो, क्या आदमी अपनी बीवी के जरा भी करीब नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। आपको पता है ना, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर से हम अमतुल आंटी से झूठ बोल के यहाँ रह रहे हैं। मुझे तो वैसे ही डर लगा रहता है कि जिस दिन उन्हें पता चलेगा कितना हर्ट होंगी। चलो एक काम करते, चल के मामा को बता देते हैं कि मेरा निकाह तुमसे हो गया है, अब मैं फिजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करूंगा। और हम पागल हो गए हैं क्या? हाँ, और मुझे पागल होने पर तुमने तो मजबूर किया है इतनी मासूम मासूम बातें करके। अब बंदा तो बशर है, बहकेगा नहीं तो और क्या करेगा। अगर ये बंदा है बशर, थोड़ा होश में रहे तो बेहतर है। तुम कितना डरती हो ना मुझसे। पता है, मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फेज से गुजर रहा हूँ। तुम्हारे पास होने का एहसास, तुम्हारे साथ होने का एहसास मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। और मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रही हूँ। अपने सारे दुख मुझे दे। इतना तो हक दो ना मुझे तुम। अपने दिल से सारे खौफ निकाल के फेंक दो। कल जो भी कुछ होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस याद रखना। तुम किसी को देख के स्माइल क्यों नहीं करते हो? स्माइल करो। वैसे कल सबने हमें साथ देखा, लेकिन हमने नहीं देखा कि हम एक दूसरे के साथ कैसे लगते। बहुत रिलैक्स है ना? और यहाँ मेरी जान के ऊपर बनी हुई है। क्यों? क्या मतलब क्यों?
हम तो लांटी आ जाएंगी तो अजाब हो जाएगा मेरे ऊपर। प्लीज आए। तो क्या हुआ? देखो कल किसने देखा। हो सकता है मामा के पास तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज उसने का कोई। हो सकता है वो खुशी खुशी कबूल कर ले तुम्हें। बदगुमाने की भी हद होती है ना। बदगुमान होने से तो बेहतर है कि हम पॉजिटिव होकर सोच लें। समी को नींद आ रही है, मुझे सुलाना, अब जाए। अच्छा अचानक नींद आ गई इसे। यार तुम अभी से हमारे दरमियान आ गए हो। जब बड़े हो गए ना तब तुमसे बदला लूंगा। ये हमारे दरमियान नहीं, हमारे साथ है। तो इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है अगर आप समझे तो। समी मेरी जिंदगी का सच है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके ऊपर बोझ बन रहा है तो बता दीजिएगा। इसको यहाँ से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। इसको बांटना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं चाहती कि ये किसी पे बोझ बने। मोमिना बदगुमान और मायूस होने की भी हद होती है यार। मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं करना चाहता तुमसे। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागूं तब तुम शिकवा करना ना मुझसे। तुम हर वक्त ही शुरू हो जाती हो यार। अरहम मेरा ये मतलब नहीं था अरहम, प्लीज। बस एक ही कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अम्मी बाबा, मैं जानती हूँ कि आज आसमानों पे आप बहुत खुश होंगे। अब मेरी जिंदगी में कोई मलाल नहीं, मैंने तो बस दिल ही हारा था। आपकी दुआओं ने मोहब्बत की जीत मेरा मुकद्दर कर दी और आज इस मोहब्बत का मदार मुकम्मल हो गया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, ये हारा दिल तो सब कुछ जीत जाता है। मान, भरोसा और एक नाराज माँ का प्यार भी। और इस जीत का हर एक लम्हा मैं आपकी मोहब्बत और मगफरत के नाम करती हूँ। अल्लाह मुझे हमेशा हमेशा आपकी दुआओं के हिसार में रखिए।